और चलिए अब खबरें विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर, दतिया, भिंड में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मुरैना, रीवा में भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। सतना, पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी में घना कोहरा छाया रहेगा। विदिशा, भोपाल, शाजापुर, नीमच में भी घना कोहरा छाया रहेगा। गुना, शिवपुरी, श्योपुर कला, सिंगरौली में कोहरे का अलर्ट। इसके अलावा सीधी, शहडोल, उमरिया, कटनी में भी कोहरा छाने के पूरे आसार। दमोह, सागर, टीकमगढ़ में भी हल्का कोहरा छाया रहेगा। इसके अलावा अशोकनगर में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज किया गया है। भोपाल का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एमपी के कई जिलों में मौसम विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। ठंड में बढ़ोतरी जाहिर तौर पर देखी जा रही है। इसके साथ ही कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, यातायात सेवा ठप हो चुकी है। कई जिलों में ठिठुरन बढ़ी है, खासकर अशोकनगर सबसे ठंडा इलाका माना जा रहा है। 5 डिग्री से भी कम यहां पर तापमान दर्ज किया गया है। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नीलम जुड़ी हुई है। नीलम, फिलहाल भोपाल में किस तरीके का मौसम है, कितनी ठंड आप महसूस कर पा रही है और आसपास के इलाकों में कितना घना कोहरा? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के कई जिलों में जो है घने से लेकर मध्यम कोहरा इस वक्त भी छाया हुआ है, जिससे लेकर मौसम केंद्र ने अलर्ट भी जारी किया है। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में फिलहाल जो है हल्का ही कोहरा छाया हुआ है। सुबह के वक्त थोड़ी धुंध जरूर छाई हुई थी, पर इस वक्त धूप निकलने के बाद जो है कोहरा हल्का हल्का छटने लगा है। वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान सामान्य दर्ज किए जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री दर्ज किया गया था। हालांकि जो ठंडी हवा है उनकी वजह से ठंड और ठिठुरन अभी भी बढ़ी हुई है। वहीं भोपाल के अलावा अगर हम दूसरे जिलों की बात करें तो जो प्रदेश का खास तौर पर उत्तरी इलाका है, जिनमें ग्वालियर, संभल संभाग के जिले आते हैं, वहां पर जो है घना कोहरा छाया हुआ है, जिसे लेकर डार्क येलो अलर्ट भी मौसम केंद्र ने जारी किया है। इसके अलावा अशोकनगर, निमाड़ी, दतिया, मुरैना, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर घना मध्यम कोहरा छाया हुआ है। इसके अलावा भोपाल संभाग के जो दूसरे जिले हैं, विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, यहां पर भी मध्यम कोहरा छाया हुआ है। वहीं प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, जिसमें जबलपुर और जबलपुर संभाग के जिले आते हैं, यहां पर भी मध्यम कोहरा छाया हुआ है। यानी कि अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कोहरे की चादर छाई हुई है। कहीं घना कोहरा है तो कहीं मध्यम से लेकर हल्का कोहरा है। मौसम केंद्र का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का कोहरा जो है प्रदेश के जिलों में देखने को मिलेगा, क्योंकि फिलहाल किसी तरह का कोई वेदर सिस्टम एक्टिव नहीं नजर आ रहा है। वहीं 3 से 4 दिन बाद मौसम में करवट हो सकती है। अनुमान जताया जा रहा है कि नए साल के आगाज के साथ ही प्रदेश के कुछ जिलों में ओले भी गिर सकते हैं और हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है, जिनमें राजधानी भोपाल समेत प्रदेश का जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, यहां पर जो है हल्की फुल्की बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट बदल सकता है। वहीं अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस अशोकनगर के आवरी में दर्ज किया गया है, और इसी तरह जो है न्यूनतम तापमान सबसे कम ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में दर्ज किया जा रहा है। वहीं बाकी के जिलों, जिनमें इंदौर संभाग, जबलपुर संभाग, भोपाल संभाग के जिले आते हैं, यहां पर न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कि प्रदेश के अगर हम पूरे मौसम में देखें तो अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं 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 कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है, तो कहीं पर जो है न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा भी दर्ज किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए नीलम आप नजर बनाकर रखिए और अन्य खबरों पर भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, इसलिए आप बने रहिए इस वक्त हमारे साथ। चलिए बढ़ते आगे, दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की चादर, कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 दर्ज की गई। पालम एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। हमारे सहयोगी सैयद आमिर की इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए कि कितनी मुश्किल हो रही होगी वाहन चालकों को। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में लगातार कोहरे की विजिबिलिटी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम नोएडा में मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कोहरा जो है वो चारों तरफ देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो बीते
दो दिन से कोहरे में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। कोहरा जो है दिल्ली एनसीआर के अलावा तमाम जो इलाके हैं, खासतौर पर पालम एयरपोर्ट की अगर हम बात करें, वहां पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम आकी गई है। और इसके साथ में अगर हम आउटर स्कर्ट की बात करें, दिल्ली एनसीआर के बाहरी इलाकों की बात करें, वहां पर भी विजिबिलिटी कम है। इस समय आप देखिए कोहरे के वजह से शहर के अंदर की विजिबिलिटी जो है फिलहाल 100 मीटर से ज्यादा की विजिबिलिटी यहां पर है, लेकिन जो दूसरे इलाके खासतौर पर हाईवेज के जो इलाके हैं वहां पर विजिबिलिटी जो है वो काफी कम है। इसलिए प्रशासन जो है लगातार अपील ये कर रहा है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो ड्राइव ना करें, और अगर मजबूरी में ड्राइव करना पड़ रहा है तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे अगर आप गाड़ी की बात करते हैं, अपनी गाड़ी अगर लेकर निकलते हैं तो इस तरह की लाइट का इस्तेमाल करें। खासतौर पर ये जो आप लाइट देख रहे हैं ये पीले कलर की लाइट्स होती हैं, इससे विजिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। गाड़ियों में खासतौर पर पीली लाइट से विजिबिलिटी इंक्रीज होती है, उसका इस्तेमाल करें। और दूसरा ये कि जब भी आप ड्राइव करें तो आप हाईवे पर खासतौर पर व्हाइट मार्कर का ध्यान रखें। व्हाइट मार्कर आपको दिशा देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स बढ़े हैं ये बात जरूर है, लेकिन सावधानी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें, खासतौर पर बीते करीब एक हफ्ते से विजिबिलिटी काफी कम हुई है। आगे जो 30 तारीख तक अलर्ट जारी किया गया है, मौसम विभाग कह रहा है कि 1 तारीख से यानी जनवरी से 7 जनवरी के बीच में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जिससे विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर होगी। चलिए।